नाउ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेशन के किस तरह की होगी इंटॉक्सिकेशन अंडर दिस सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर वुड डिपेंड ऑन न्यूमरस फैक्टर्स. व्हाट आर दोज फैक्टर्स? नंबर वन इज टाइप ऑफ सब्सटेंस, कि वो कौन सी सब्सटेंस यूज कर रहा है. नंबर टू इज डोज, के वो क्वांटिटी कितनी है, थोड़ी है ज्यादा है. नंबर थ्री इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से ली जा सकती हैं एंड डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स ऑफ नेचर. एज इनहेलेंट है तो वो जाहरी बात है इनहेल किया जा रहा होगा. हेरोइन अगर ले रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओरली ले रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्प्रिंकल करते हैं अपने कट लगा के स्किन के ऊपर, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंजेक्टेबल ले रहे होते हैं और वो इंजेक्शन जो है वो फिर नीडल जो हैं वो भी शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एचआईवी और किसी भी तरह का लाइक हेपेटाइटिस या किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो भी फिर शेयर कर रहे होते हैं. तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्योंकि अगर वो इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यू नो कि उसका तो फौरन फौरन असर आएगा. एंड ड्यूरेशन एंड क्रोनिसिटी, कितनी देर से कोई ले रहा है और कितना पुराना केस है. सो दीज फैक्टर्स एंड इन एडिशन इंडिविजुअल डिग्री ऑफ टॉलरेंस. हर बंदा जो है उसके अपना बॉडीली मेकअप है और उसके मुताबिक उसकी टॉलरेंस जो है वो वेरी करेगी. कुछ लोगों को थोड़ी सी जो ड्रग है उससे दे विल फील इंटॉक्सिकेटेड. देयर वुड बी अदर्स जिनको शायद ज्यादा लेनी पड़े तो देन दे विल फील इंटॉक्सिकेटेड. देन टाइम सिंस लास्ट डोज, के बाज दफा आप अगर सक्सेसिवली लेते जाते हैं थोड़े थोड़े अरसे से तो ऑफकोर्स इंटॉक्सिकेशन फर्क तरीके से होगी, और अगर आपने पहला और दोनों डोजेज में ड्यूरेशन लंबा है तो शायद वो फर्क होगी. एंड ऑल्सो पर्सन्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ सब्सटेंस इफेक्ट. बाज दफा पीपल द स्टडीज हैव शोन के लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी तवक्कुआत क्या है उस ड्रग से या उस सब्सटेंस से लेने से पहले. सो यू नो देयर बिलीफ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट ड्रग, they will get that kind of effect in terms of intoxication. And then contextual variables. Ab agar main bhang ki baat karun, contextual means situational. To usually log jo hai wo ek group ki shakal mein, I'm not sure now, but ye kyunki bahut zyada Pakistan mein ugta hai, ye ek khudro kisam ka pauda hai. To bahut se mazaron ke andar log mil ke wo jaise hai na wo bana ke usko to wo pee rahe hote hain. तो इसका मतलब है कि इसका भी एक कल्चर है. सो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी सब्सटेंस है, किस तरह से ली जा रही है, डोजेज कितनी है, और वो उसके ऊपर वो जो उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो कैसा है और लेने वाले की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. सो देर आर डाइवर्स फैक्टर्स विच वुड इफेक्ट द टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन और इंटॉक्सिकेशन इटसेल्फ. देन द सेकेंड वन इज वी टॉक अबाउट विथड्रॉल. विथड्रॉल वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, लेकिन हेयर क्योंकि दिस इज कमिंग एज सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर के अंदर वन ऑफ दोज, सो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट अगेन. सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम विच इज एक्चुअली मैनिफेस्टेड थ्रू प्रॉब्लमेटिक बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज. या तो वो बहुत लंबे अरसे से एक ड्रग जो यूज की जा रही है, सब्सटेंस जो यूज किया जा रहा है उसको या तो वो छोड़ देना या उसको थोड़ा करने की कोशिश करना, रिड्यूस करने की कोशिश करना. इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट बोथ. फिजियोलॉजिकल मीन बॉडी मोस्ट प्रोबेबली वुड रिस्पॉन्ड एंड ऑल्सो कॉग्निटिवली इट वुड इफेक्ट, बिकॉज जितनी भी हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं दे इफेक्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हायर मेंटल प्रोसेस जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं. तो जाहिर बात है जब वो और उसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग भी वन ऑफ दोज, तो जब वो CNS के ऊपर इफेक्ट आएगा तो वो आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा. आप आई रिमेम्बर इन 80s व्हेन गवर्नमेंट बैंड ऑन चर्स, तो सो मैनी पीपल डाइड बिकॉज देर वॉज नो डिटॉक्सिफिकेशन एंड द पीपल एक्चुअली डाइड ऑन स्ट्रीट बिकॉज ये एब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ ड्रग थी जिसकी वजह से बॉडी ने इतना फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्ड किया दैट द पीपल हु आर गेटिंग दैट drug they could not survive. Then significant distress in social, occupational or other important areas of functioning. Of course when the person is actually been so much affected psychologically, cognitively and behaviorally, so how he or she can function. To unke sare jo hai
उनको डिस्ट्रेस भी सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस्ड होते हैं. ऑफ कोर्स सम टाइम देर आर बॉडी पेन्स एंड एक्स, देर आर ट्रेमर्स, दे आर शिवरिंग, दे आर अनएबल टू कीप कंपोजर. तो हर एक ड्रग जो है या सब्सटेंस जो है उसका इफेक्ट फर्क आता है या उसकी विथड्रॉल सिम्टम्स फर्क होती हैं. मतलब दे मे बी सिमिलर बट देन देर आर डिफरेंसेस टू. ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट होता है और उसके अलावा दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनके ऊपर इफेक्ट आता है. एंड दीज विथड्रॉल सिम्टम्स, मतलब विथड्रॉल सिम्टम्स टाइप सिम्टम्स कैन अकर इन अदर मेडिकल कंडीशन और एज एन इफेक्ट ऑफ एन अदर सब्सटेंस. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रूल आउट के इट इज नॉट ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन और एनी अदर मेंटल कंडीशन. सो दिस नीड्स टू बी रूल्ड आउट.